अगर रागनी अच्छी लगे और दिल को छू जाए तो यहाँ हमारे लिए नहीं गौओं के लिए और दान दे के जाना और प्रोत्साहन करना, क्योंकि आप अगर प्रोत्साहित करोगे तो आपकी इस प्रोत्साहित की बात को मैं देश दुनिया में गाऊंगा जहां तक भी जाऊंगा कि अगर ऐसा मेला देखना है तो सढ़ोरा में जाइए जहां के लोग बड़े धार्मिक हैं। राजा मोरध्वज जिसकी पत्नी ने तो ये कहा, भाई साहब ने बताया कि महाराज मैं तो आरा चलाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अब अधिकार पुत्र वधू का है, एक बार उसको तो जाके पूछिए क्या वो हमें हमारे बेटे को देने के लिए तैयार है। तो सजनों इस बात का डर राजा के दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाता है कि जिस लड़की को कभी आज से पहले देखा नहीं, उसके स्वभाव का पता नहीं, उसके चाल चलन का अंदाज नहीं, भला वो मेरी बात कैसे रखेगी, मेरी इज्जत रखेगी कि नहीं रखेगी, इस तरह से सोचता हुआ ख्यालातों की आंधी ने झकझोर दिया मेहरबानों, और चलते चलते ठोकर खाता खाता अपने पुत्र वधु के दरवाजे पे पहुंच गया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि बात कुछ इस तरह की थी। मेहरबानों एक बांदी ने जाकर के लाजवंती को कहा तेरे ससुर दरवाजे पे खड़े हैं, तो लाजवंती आगे आकर के प्रणाम करती है और यहाँ पे दोनों के सवाल जवाब होते हैं। आइए बुजुर्गों क्या लिखा है कवि ने, आइए पिताश्री सबसे पहले आपकी इस बेटी को आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण आज आपको महलों में आना पड़ा है। अगर कोई जरूरी ही काम था तो मुझे दरबार में बुला लिया होता पिताश्री। मेरी धर्म की पुत्री, मेरी लाडो, काम ऐसा नहीं है तुझे मैं दरबार में बुलाता। अरे तू मेरे कुल की मर्यादा है, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तुझे भला दरबार में कैसे बुला लेता। हे बेटी, तेरा ससुर एक धर्म संकट में पड़ा हुआ है और इस धर्म संकट से अगरचे मुझे कोई बाहर कर सकता है तो हे बेटी वो तू है। लेकिन पिताश्री आप ये क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे लिए संसार में अंधेरा फैल चुका है, मैं अपने हाथों से एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। बेटी अपना एक धर्म निभाने के लिए, एक वचन निभाने के लिए मुझे तुमसे एक उम्मीद है, एक आशा लेकर के आया हूं तेरे पास, क्या तू इस दुख के दर्द में मेरी हमदर्द बनने के लिए तैयार है। कैसी उम्मीद पिताश्री, कैसी आशा, बताइए साफ साफ बताइए। बेटी मेरे जो सिर की पगड़ी है जिसके कारण मैं राजा हूं ये भी मैंने उतार ली है। बेटी मेरी इज्जत करना, मेरी लाज रखना, मेरी शर्म रखना और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। कहिए पिताश्री। देख तेरे पाया मैं धरूं ताज से। नहीं पिताश्री, ये क्या कह रहे हो, नहीं। तू आज रखते मेरी लाज से। नहीं पिताश्री नहीं, मैं तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज रखते मेरी लाज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तू आज रखते मेरी लाज से। नहीं, मेरे पाया मैं धरूं ताज से।
उसका सास ससुर का होता है, फिर क्यों ये सब क्यों कर रहे हो पिताश्री? बेटी अभी तो सिर की पगड़ी तार के रखी है, एक ऐसा काम लेकर के आया हूं कि अगर गर्दन तार के धरनी पड़े तो वो भी आज तेरे चरणों में धर दूंगा। लेकिन बेटी कुछ मांगने आया हूं, वो मुझे जरूर मिलना चाहिए। मेरी बात सुनिए पिताश्री। स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जाए, स्वर्ग बने उस घर का जी। ₹500 और आदरणीय बड़े भाई शीशपाल सरपंच साहब पीपलीवाड़ा से और श्री मांगेराम सरपंच गांव लवाणा के बेटे चौधरी सुरेंद्र कुमार डायरेक्टर पैक्स कलावट इस रागनी पर हम दोनों के लिए ₹500 दिए। तो आदरणीय सरपंच साहब का, उनके बेटे का और आदरणीय बड़े भाई शीशपाल जी का, और जिन्होंने भी ₹100 से सम्मान किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी मेहरबान आज के लिए मेरे पति को
मुझसे कैसे मांग सकते हो पिताजी, कैसे मांग सकते हो? तो लाजवंती कैसे मांग? अब इस मेहंदी को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब इस मेहंदी को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, और अब मांग में सिंदूर भरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि तेरे पति का कत्ल मैं दुनिया का सबसे बेरहम पिता हूँ जो अपने हाथों से करने जा रहा हूँ। अपने हाथों से करने जा रहा हूँ। नहीं, ओ भूखे करीब की हो यही दुआए औलाद वालों, भूलो खलो औलाद वालों, भूलो खलो। Thank you.
पिताश्री। कहिए पिताश्री। इब मेरे पास समय नहीं है, अब मैं तेरे से तोड़ चाहता हूं कि या तो तू हां कह दे और या ना कह दे। बेटी अगर तूने हां कह दिया तो तेरा एहसानमंद हो जाऊंगा, मैं नहीं मेरे पूर्वज तक तेरे एहसानमंद हो जाएंगे। हे बेटी, इस जन्म में नहीं तो हजार जन्म लेने पड़े तो तेरा कर्जा उतारूंगा। हां कह दे। हे लाडो, मेरे कुल की इज्जत बच जाएगी, अपने पति का दान देने के लिए हां कह दे। अगर हिम्मत है, एक अच्छे घराने की बेटी है तो हां कह दे, और अगर तेरे में ताकत नहीं है, अगर तेरे में अपने इस धर्म पिता के प्रति कोई सामर्थ्य नहीं है तो फिर ना कह दे। लेकिन ये बात याद रखना, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तूने हां कहा तो तेरा ऋणी, और अगर तूने ना कह दिया, अगर तूने ना कह दिया लाजवंती, तो तेरा ये धर्म पिता राजा मोरद्वाज अरे कटारी मार के आत्महत्या कर लेगा, पर तेरे यहां से वापस नहीं जाएगा तेरे दरवाजे से। पिताश्री नहीं, ये क्या कह रहे हो आप ही बताइए पिताश्री, कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताश्री, आप क्या करते? अगर मैं तेरी जगह होता, अगर मैं तेरी जगह होता बेटी, तो सूर्य और चंद्रमा तो पलट सकते थे, आकाश के तारागण दुनिया में कहीं छिप सकते थे, प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, कोई ब्रह्मचारी अपना ब्रह्म छोड़ सकता है, कोई सती स्त्री अपना सत त्याग सकती है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा मोरद्वाज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपने धर्म पर अडिग रहने वाला। ठीक है पिताश्री, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटा दूं और बगैर सिंदूर के अपनी जिंदगी बिताऊं, हाँ, तो मंजूर है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सुहागर का बाना उतारे, एक विधवा का बाना पहन लूं, तो मंजूर है पिताश्री। हाँ बेटी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी अपने पति के बगैर गुजारूं, तो मंजूर है पिताश्री। जाइए, आज आप मुझसे मेरे पति का दान मांगने आए हो, मैं आपको अपने पति का दान देती हूँ। नहीं, जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाइए, कि अगर वो साधु संतों का शेर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं जीता, अगर वो साधुओं का शेर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं जीता, तो अपनी इस लाटो को, अपनी इस बेटी को काट कर उस शेर के आगे डाल देना। नहीं बेटी, आपकी बेटी कभी मना नहीं करेगी। नहीं लाडो। लेकिन मैं ईश्वर से, उस भगवान से एक प्रार्थना करूंगी कि जैसा आज हमारे साथ हो रहा है, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि एक पिता का दर्द तो पिता ही जानता है, एक माँ की ममता तो माँ ही जानती है कि अपने बेटे के लिए कितना दर्द सहते हैं। जाइए पिताश्री, जाइए, मैं आपको अपने पति का दान देती हूँ, जाइए। दिल का खिलौना अरे टूटे गया, दिल का खिलौना अरे टूटे गया, कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना अरे टूटे गया, दिल का खिलौना।
मेरे पति ते नहीं जी का ते मेरा कहना से मेरे पति ते नहीं जी का ते मेरा माना से और जिसने प्यारी जन्म दिया के माँ इंदर पाल जोड़ी वाला मैं भरी करे कविताई इंदर पाल जोड़ी वाला भरी करे कविताई ये ईश्वर तेरी अद्भुत माया भेद किसे ने को ना पाया हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया भेद किसे ने को ना पाया तेरा पाया मैं धरूं आज से तू आज रख दे मेरी आज से